कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नई संसद भवन के पहले दिन सभी सांसदों को एक हैम्पर मिला था। इस गिफ्ट हैम्पर में काफी सामान था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे लेकर अब विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। यह है संविधान की कॉपी। संविधान की कॉपी पर क्यों बहस हो रही है और क्या है इस संविधान की कॉपी में, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। टीएमसी और कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए, ये कहा कि संविधान की गलत कॉपी बांटी गई है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान की नई कॉपी से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए हैं। सांसद ने पूछा कि सरकार ने संविधान की कॉपी में इतना बड़ा बदलाव बिना चर्चा के कैसे कर लिया। उनका सरकार से ये भी सवाल है कि उन दो शब्दों को अचानक कैसे हटा दिया गया। डोला सेन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर टीएमसी विरोध प्रदर्शन करेगी। डोला सेन ने आगे कहा कि ये सरकार संविधान विरोधी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 सितंबर को हमें जो संविधान की नई प्रतियां दी गई हैं, उन्हें हमने अपने हाथों से लेकर नए संसद भवन में प्रवेश किया। उसके प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। अधीर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि ये शब्द 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर कोई आज हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। उनकी मंशा संदिग्ध है, इसे चतुराई से किया गया है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। टीएमसी सांसद डोला सेन के आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नई संसद में सभी सांसदों को संविधान की मील कॉपी ही दी गई है। वहीं बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।